दोस्तों अपने दांतों को मोती के जैसा सफ़ेद और चमकदार बनाना चाहते हैं या दांतों में कीड़ा लगा है तो दांतों के दर्द से छुटकारा पाने का एक बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त नुस्खा आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपके लिए तीन अलग अलग तरह की रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि आपके दांतों के पीलेपन को दूर करेगी, दांत के कीड़े से छुटकारा मिलेगा। दांत का दर्द हो, पायरिया हो या मुँह की बुरी गंध हो, ये सारी चीज़ों को दूर करेगी ये आसान सी रेमेडी। और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर दांतों के पीलेपन को हटाने के लिए या दांतों के दर्द से राहत पाने के लिए यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ लहसुन का। अब आप सोचेंगे अरे लहसुन की तो स्मेल बैड होती है, परंतु जो लहसुन होता है एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है। दांत में दर्द है, मसूड़ों में सूजन आ गई है, मसूड़ों से खून निकल रहा है और दांत दर्द के कारण जो आपको तकलीफ़ है उसे तेज़ी से दूर करता है लहसुन का पेस्ट। लहसुन हमारे दांतों के लिए एक चमत्कार की तरह काम करता है। दोस्तों लहसुन में पाया जाने वाला थायोसल्फेनेट न केवल दांतों को सफ़ेद और चमकदार बनाता है बल्कि दांतों को कीड़ा लगने से भी बचाता है। मसूड़ों में सूजन है, दर्द है, खून निकल रहा है दोस्तों, तो इसका जो पेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया काम करेगा। एक नेचुरल पेन किलर भी है। दांत खराब होने का कारण है बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीना, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू का सेवन करना या बच्चे बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हैं, टॉफ़ी खाते हैं, उससे भी दांत खराब होने लग जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया रेमेडी लेकर आई हूँ दोस्तों, जो कि रेमेडी नंबर वन है दोस्तों, जिसमें मैंने दो कलियां लहसुन की ली है, जिसे आप चाहे तो कूट सकते हैं, इसका पेस्ट बना सकते हैं या फिर ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके भी इसका पेस्ट बना सकते हैं। गार्लिक जो होता है दांत के कीड़े को ख़त्म करने के लिए बहुत बढ़िया आयुर्वेदिक नुस्खा है। चुटकी भर हम यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल करने वाले हैं। हल्दी जो होती है एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। दांतों में जो कीड़ा लगा है उससे उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। यदि मसूड़ों से खून निकल रहा, मसूड़ों में घाव हो गया है तो घाव को तेज़ी से भरती है हल्दी। एंटीबैक्टीरियल होने के कारण बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत रखती है हल्दी। हल्दी तो अपने आप में एक औषधि है, एक मेडिसिन है। साथ ही मैंने इसमें डाला चुटकी भर नमक। नमक जो होता है ये हमारे मसूड़ों की जो नसें होती हैं उसको स्टिम्यूलेट करता है, मसूड़ों के दर्द को खींचने का काम करता है नमक। साथ ही साथ दांतों को सफ़ेद बनाता है, दांतों को चमकदार बनाता है नमक। नमक के जो बारीक बारीक से दाने होते हैं दोस्तों, ये हम जब दांतों में मंजन करते हैं तो हमारे दांतों से पीलेपन की ज़िद्दी परत को हटाता है। लहसुन में मैंने थोड़ा सा हल्दी, चुटकी भर नमक डाला है, अच्छे से इसे मिला लें और कुछ बूंदे आप यहाँ पर डालेंगे लेमन जूस की। लेमन जूस क्या करेगा, लहसुन की जो बैड स्मेल है जो आपको सहन नहीं होती है, केवल दो कली ली है, ज़्यादा नहीं ली है मैंने, लहसुन की गंध को दूर करता है लेमन। साथ ही साथ नींबू का रस एक नेचुरल ब्लीच के जैसा काम करता है, दांतों के पीलेपन की परत को हटाता है, मुंह की गंध को दूर करता है, हमें फ्रेश फील कराता है। लेमन जूस हमारे दांतों की सुरक्षा करता है और साथ ही साथ विटामिन सी से भरपूर होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण बैक्टीरिया को ख़त्म करता है लेमन जूस। 4 से 5 बूंदे आपको यहाँ पर नींबू के रस की डालना है। साथ ही साथ दोस्तों लेमन जूस जो है दांतों में तेज़ी से सफ़ेदी लाता है, एक ब्लीच होता है जैसा मैंने आपको बताया। अब आपको इससे मंजन करना है, आप चाहें तो अपनी उंगलियों की सहायता से करें या फिर आप अपना कोई भी पुराना टूथब्रश ले लें, उसकी सहायता से सप्ताह में 2 बार आप इससे मंजन करें, आप करके देखें। पहले बार के इस्तेमाल से आपको फ़र्क महसूस होगा। दांतों में जो पीलेपन की परत है, गंदे पीले दांत हैं, उसे तेज़ी से हटाने का काम करेगा लेमन जूस, नमक, हल्दी और साथ ही साथ दांत के कीड़े, दांत के दर्द से आपको राहत मिलेगी। और बहुत बढ़िया ये आयुर्वेदिक नुस्खा है दोस्तों, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। और इसके अलावा मसूड़ों से यदि खून निकलता है, सूजन आ गई है, तो वो सारी चीज़ें हल्दी क्या करेगी, सूजन को उतारेगी। एक नेचुरल दर्द निवारक होती है हल्दी, जो कि मसूड़ों में जाकर मसूड़ों को राहत दिलाएगी। आप चाहें दांत में यदि कीड़ा है तो इस पेस्ट को थोड़ी देर 2 दांतों के बीच दबा लें, नहीं तो केवल इससे आप ब्रश करें, मंजन करें, आपके दांत बिल्कुल सफ़ेद मोती के जैसे चमकदार हो जाएंगे। यदि दांत ख़राब होते हैं ना दोस्तों, हमारी पूरी पर्सनैलिटी को ख़राब कर देते हैं और हमें खुद को बड़ा ख़राब लगता है, पीले दांत दिखते हैं। तो इस तरह से आपको ब्रश की सहायता से कम 2 से 3 मिनट तक ब्रश करना है या आप उंगलियों की सहायता से भी मंजन कर सकते हैं।
पहले बार के इस्तेमाल से फ़र्क महसूस करेंगे आप कि दांत मेरे अच्छे हो गए दोस्तों, और दांतों के बैक्टीरिया भी खत्म होंगे, पायरिया जैसी बीमारी को भी दूर करेगा। दांत के दर्द में इस पेस्ट को थोड़ी देर दांतों के बीच दबा लें। चलिए अब रेमेडी नंबर 2 बताती हूँ, जिसमें मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ नारियल का तेल। कोकोनट ऑयल हमारे दांतों में चमक लेकर आएगा। नारियल के तेल में कुछ ऐसे फैटी एसिड होते हैं और साथ ही साथ नारियल का तेल एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल प्रॉपर्टी होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है कोकोनट ऑयल में। हमारे मसूड़ों की सूजन को दूर करता है, हमारे मसूड़ों को हेल्दी बनाता है नारियल का तेल। चुटकी भर नमक लेना है, 4-5 बूंदें नींबू के रस की लेना है दोस्तों, यही अपने आप में सबसे बेस्ट है। पहले के लोग क्या करते थे, नमक से मंजन कर लेते थे दोस्तों, तो नमक से जब दांतों में घिसते थे ना तो दांतों में बिल्कुल नेचुरल चमक आ जाती थी दोस्तों। और थोड़ा सा हम इसमें नारियल तेल डालेंगे, नमक, थोड़ा सा नारियल तेल 1 चम्मच और कुछ बूंदे मैं नींबू के रस की ज़रूर डालूंगी। लेमन जूस हमारी जो सांस में बुरी गंध होती है उसे दूर करता है और फ्रेश फील कराता है लेमन जूस, इसलिए मैंने नमक और नींबू का रस दोनों को आपस में खूब अच्छे से आपको मिक्स करना है। दोस्तों दांत पीले होते हैं, ख़राब होते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत से ट्रीटमेंट कराते हैं, ब्लीच कराते हैं और बाज़ार से तरह तरह के प्रोडक्ट खरीद कर लाते हैं, परंतु ये जो होम रेमेडी आज शेयर कर रही हूँ ये कुछ ही दिनों में आपके दांतों को सुंदर सफ़ेद बनाएगी और दांतों के दर्द और कीड़े से भी आपको राहत दिलाएगी। तो नींबू, नमक और थोड़ा सा नारियल तेल डाला है मैंने, मसूड़ों की सूजन को दूर करेगी और साथ ही साथ आपके मसूड़े जो फट गए हैं, कट गए हैं, उनसे खून निकल रहा है उसे दूर करेगा नारियल का तेल, इसलिए डाला है। टूथपेस्ट लेना है, जो सा भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं, किसी भी कंपनी का आप लोग यहाँ ले सकते हैं, अपना पसंद का टूथपेस्ट ले सकते हैं। मिलाएं इससे, अब आपको ब्रश करना है, अब आपको सुबह इसके बाद कोई और पेस्ट नहीं लगाना, इसी से ही आप मंजन करें। 3 से 4 दिन में ही आप देखेंगे आपको दांतों के दर्द से इतनी राहत मिलेगी, दांतों में सफ़ेदी आएगी, दांतों में चमकदार होंगे दोस्तों। मुस्कुराता हुआ चेहरा हम सभी को पसंद होता है और चेहरे में हमारे जो दांत होते हैं वो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, और उसमें यदि हमारे दांत पीले और ख़राब दिखते हैं ना तो ये हमारी सुंदरता को, हमारी खूबसूरती को कम कर देते हैं। इसलिए दांतों में पीलेपन की ज़िद्दी परत को उतारने के लिए आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। 3 रेमेडी शेयर की है, जो रेमेडी आपको ज़्यादा सुविधाजनक लगे आप उस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि लहसुन नहीं खाते हैं तो इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके अलावा कभी कभी आप तुलसी की पत्तियों को सुखाकर या तुलसी की पत्तियों का रस और हल्दी मिलाकर भी मंजन करेंगे ना, आपको इससे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। कड़वे नीम की दातून करें या नीम की पत्तियों को पीसकर उसके पेस्ट में थोड़ा सा नमक हल्दी मिलाकर भी आप मंजन कर सकते हैं। तो इतनी सारी रेमेडी शेयर की है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दांतों को सफेद